अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू व्लॉग में वेलकम करते हैं। आज का व्लॉग ना बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि मैंने परसों स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पेज पर के बताएं क्या हम लोगों को, मतलब मुझे और कमल को, अपनी जो पुरानी पिक्चर्स हैं उस पर रिएक्टिंग वीडियो बनानी चाहिए। तो पता है कितने ज्यादा लोगों ने मुझे वोट किया था कि हाँ बनानी चाहिए। 95% लोगों ने वोट किया था जी हाँ बनानी चाहिए, और 5% ने पता नहीं क्यों कहा कि नहीं आपको नहीं बनानी चाहिए। लेकिन हम लोग 5% को इग्नोर करते हैं क्योंकि उनकी परसेंटेज बहुत कम है, 95 वालों को रिस्पेक्ट देते हैं। और आज हम लोग अपनी पुरानी पिक्चर्स पर रिएक्शन वाली वीडियो बनाएंगे। और मेरी ज्यादा पुरानी पिक्चर्स हैं, जुलकर की कम है। अच्छा। मेरी तो बहुत छोटी छोटी की भी पिक्चर है। जुलकर अपनी आपको छोटी वाली पिक्चर नहीं दिखा? नहीं, जो सही बात है, मेरी बहुत कम बचपन की पिक्चर्स हैं। ठीक है, कुछ थी लेकिन मेरी अम्मी बताते हैं कि जो हमारी पिक्चर्स थी ना, वो कभी कोई रिश्तेदार ले जाता था, कभी कोई रिश्तेदार ले जाता था, हमारे घर पर कभी टिकती थी। वो इसलिए लेके जाता था क्योंकि ये नजर बट्टू थे। हाँ, उन्होंने कहा चले हमें नजर बहुत लगती है, इनकी पिक्चर लगा लेते हैं ताकि हमारे घर को और बच्चों को नजर ना लगे। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ मैं पहले बता देता हूँ, जो कमल ने आपको बता देना बाद में और मेरा मजाक उड़ाना है वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। वैसे कमल बहुत ही मुश्किल से रजामंद हुई है, ये नहीं मान रही थी कि इसकी पिक्चर्स पर मैं रिएक्ट करूं, लेकिन आखिरकार आपका भाई जीत चुका, इसको मना ही लिया। लाओ फोन इसके, वैसे इसके फोन में सारी पिक्चर्स है, इसने मेरी पिक्चर्स भी निकाली इसी जिद में कि मैं तुम्हारी पिक्चर्स निकालूंगी फिर अच्छी अच्छी, जिसमें तुम बहुत बदसूरत लग रहे हो। कोई खौफनाक पिक्चर्स देखी नहीं है? कहाँ देखी है तुमने? मैंने मूवीज में देखा हुआ है, आपको इतने खौफनाक लगते थे। वैसे मेरी फेसबुक प्रोफाइल पर भी पिक्चर मेरी खौफनाक वाली थी, लेकिन मैंने डिलीट कर दी थी और मैं बहुत पछता रहा हूँ, मुझे डिलीट नहीं करनी चाहिए। क्या कर सकते हैं, चलो छोड़ो यार, रिएक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले रिएक्ट शुरू करते हैं कमल की पिक्चर्स पर, ठीक है। और मेरे आगे कमल की बचपन की पिक्चर सबसे पहले आई है, और ये पिक्चर कमल तुम कितने साल की होगी तब? यार ये मैं तब कोई 4 साल की थी और ये सालगिरह थी मेरी। 4 साल में तुम्हारी फोर्थ बर्थडे थी जबकि ये मेरी नहीं थी, या शायद मेरी ही थी, मेरी खाला की थी। तुम्हारी खाला की सालगिरह, मुझे भी साथ में उन्होंने कहा इसे भी फारिग करो, इसकी भी आने वाली। अच्छा, मतलब वही एक ही केक में 2-3 बंदों की बर्थडे कर दी। केक नहीं था, केक 3-4, केक बहुत ज्यादा थे क्योंकि लोग बहुत ज्यादा, केक 3-4 ही थे। हाँ, को केक कौन बनवाता है? एक एक चलता है, छोटे 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 बेकरी से केक लाके 1-2 3-4, जब भी वो बंदे बढ़ते गए उतने केक बढ़ते गए। यार एक और ले आना 1 पाउंड का यार, ये दूसरा भी ले आना, ये खाला भी तुम्हारी आगे 1 पाउंड का एक और ऐसे 1-1 पाउंड के कोई 8-10 केक शायद इकट्ठे हो गए होंगे। तुम देख सकते हो कि माशाल्लाह बचपन में तो सारे प्यारे होते हैं, मैं खुद बहुत प्यारा था। तुम्हें अम्मी के वर्ड्स नहीं याद? अभी आप एजल को देख ले, अम्मी कहती है खूब खूब मैं ऐसा होता था और मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं आता। नहीं, जुलकर बहुत ज्यादा, एजल का ज्यादा बचपन है, तब तो आप हेल्दी थे माशाल्लाह। एजल हमारी इतनी हेल्दी नहीं है माशाल्लाह, जुलकर बहुत हेल्दी थे। लेकिन बचपना में ये कह रही हूँ, जो 5-6 साल के बाद जो उम्र बढ़ती है वो वाला बचपना जुलकर का बहुत खुश। वो तो सबके ही होता है, बॉयज का मेरा जितना। चलो खैर छोड़ो, अभी कमल की दूसरी पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, ओ यार क्या पिक्चर है ये, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये पिक्चर कमल ने कैसे खींच ली और कैसे सेव रखी है और कैसे इसका डिजिटल प्रिंट भी निकलवा लिया। उसके हाथ से सबसे बेस्ट पिक्चर थी। ऐसे खिंचवाई हुई है ये? मैंने खिंचवाई नहीं, मैंने सेल्फी ली थी। ये सेल्फी ली थी? ये सेल्फी। इतनी हिम्मत? तब कितने साल की थी? यार ये मैं होंगी कोई 11-12 साल की। 11-12 साल, लेकिन फिर भी यार खूबसूरत लग रही है, अच्छी लग रही हूँ। मैंने लिपस्टिक लगाई भी है और काजल मुझे बहुत शौक था। मैं पहले 10-11 साल की उम्र। हाँ नहीं, काजल मतलब सुरमा होता है ना, सुरमे वाला एक काजल मिलता है। चलो खैर, अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी पिक्चर की तरफ। कमल बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। वैसे कमल होती क्यूट थी माशाल्लाह बचपन में, ये भी पिक्चर, लेकिन ये स्टाइल ना बच्चों वाले नहीं है कमल।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा बहुत ज्यादा सेंस हो ना बच्चे को पिक्चर खिंचवाने की, वो बेचारा स्माइल कर लेता है ऐसे करके। केवल तो दुल्हनों वाले स्टाइल नहीं नहीं, मुझे मेरे घर वाले हमेशा हर दो महीने बाद स्टूडियो ले जाते थे। यार कितनी लकी थी ना तुम, क्या हो जाएगा, मुझे स्टूडियो ले जाते थे और हर मतलब साल की मेरी एक पिक्चर वो जरूरी होती थी, बड़ी फिट होती थी। हर साल की एक पिक्चर नहीं, हर साल की नहीं, वैसे तो ज्यादा होती थी। मैं आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक एल्बम बनाया था अपना बचपन से लेके, मतलब वन मंथ से लेके नाइन्थ क्लास तक मैंने एक एल्बम बनाया था। और मेरी एक दोस्त थी, उसको मेहंदी बहुत अच्छी लगानी आती थी, तो उसने साइडों पे मेहंदी के डिजाइन बनाए। यार ये लड़की ही क्यों ऐसे काम करती है, मैं तो यार चेक करूँ इसी एज में नहर बनाने जाता था, सुए पर नहाने चले जाते, ज्यादा से ज्यादा वो गंदे स्विमिंग पूल में 20 रुपए घंटा वाले स्विमिंग पूल में मैंने और मेरे दोस्तों ने नहाने चले जाना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, बस यही सारे काम का। क्योंकि आप लोग घर नहीं नहाते थे तो आप लोग बाहर, या फिर क्रिकेट खेल लेनी ऐसे, मतलब मैं बता नहीं सकता, अजीबो गरीब हमारी ये 11-12 साल की उम्र में शक्लें होती थी ऐसे। जब ही नानकों की तरफ जाना ना, मतलब मामू वगैरह की तरफ, तो उन्होंने कहना एनु की कर लिया है, की हम दा जा रहे हैं मुंडे नु। खैर अगली पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, कवर ये तब नया कैप्रिका, नहीं नहीं नया नया कैप्रिका चला था डिजाइन, तो ये भी मैं स्टूडियो गई थी, लेकिन मेरी आंख में इन्फेक्शन हुआ हुआ है, वो दूसरी वाली आंख देखो आपको लाल नजर आ रही होगी, लेकिन देखे मैचिंग शो मैचिंग वो कैप्री ऊपर शर्ट ऊपर वो घड़ी देख सकते हो फुल मैच, ऑफ माय गॉड। ये पर मेरे ख्याल से मैं 9 साल की थी। अच्छा जी, ओह माय गॉड, ये कवर की बचपन की पिक्चर है। कौन तुम्हारी बचपन में डार्क सर्कल बहुत ज्यादा होते? नहीं डार्क सर्कल नहीं होते थे, ये क्या है, वो मेरे गाल होते थे मोटे, तो वो इस तरह ऊपर होते थे थोड़े से, तो वो ऐसे लगता था जैसे आंखें अंदर है। फिर भी यार प्यारी होती थी तुम। यस आई एम। अब हम आएंगे जुल्कर पे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और ये मैं आपको बता दूं, मेरे मोबाइल में जुल्कर नैन की बहुत बहुत पुरानी पिक्चर्स थी, लेकिन मैंने डिलीट नहीं की, मेरे मोबाइल का डाटा उड़ गया था। काबले बर्दाश्त है, अगर आप वो देखते ना तो अभी, तो अभी आपने मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना था, है ना, ये बात है। नहीं वैसे मुझे लगता है कि आपको मेरे से और ज्यादा मोहब्बत हो जानी आपसे, अगर आप वो वाली पिक्चर्स देख लेते, आप कहते यार इस बंदे की शक्ल देखो और इसका हौसला देखो कि यूट्यूबर बनकर बैठा है ये। चलो गैर पिक्चर की तरफ आते हैं। ओके ओके, तुम ही देखना। अच्छी है ये तो। कौन सी है? ओ हाँ यार ये तो अच्छी है, हैंडसम बॉय, iPhone 5 के साथ सेल्फी ले रहा था। दरअसल कब मैंने नया भाई का नहीं मेरा था। कितने साल के थे आप? मैं शायद 16-17 साल। ये देखा 16-17 की दिखा रहा है, 12-13 वाली नहीं दिखा रहा। दरअसल इसने ये ढूंढी है, इसको मिली ही है बेचारी, इसलिए पुरानी होती ना, इसने मेरी घटिया से घटिया पिक्चर भी आपको दिखानी थी। यार ये मेरी iPhone 5 के साथ मिरर के आगे शोकी मारने वाली पिक्चर है। मिरर सेल्फी? जी हाँ मिरर सेल्फी। दरअसल थोड़ा सा लौंडा। चलो ठीक है, अगली पे चलते हैं, अगली पे चलते हैं, अगली पे चलते हैं। अगली पे, अगली कौन सी है? ओ ऐसे मैंने पिक्चर ये बनवाई थी एक ग्लासेस पहन के, और मुझे लगता है इसमें सिर्फ ना मेरा नाक ही नाक नजर आ रहा है। ये वैसे ना मैंने अपने बिग बी की जैकेट पहनी थी छोटी करवा कर अम्मी से, कि अम्मी ये छोटी कर दे क्योंकि बहुत स्मैक्सी। तब ना मुझे शौक यही होता था कि अपने बड़े भाइयों के कपड़े पहनूं, मेरे तो बहुत ही गले सड़े और तरक्के हैं। मेरे भाइयों के कपड़े मुझे काबिले बर्दाश्त लगते थे, इसलिए उनको मैं छोटा करवा लेता। आपको अपने बड़ों के अट्रैक्ट होते हैं मुझे, क्योंकि अभी मैं कुछ पुरानी शादियों की वीडियोस देखूं ना, तो मैं देखती हूं मैंने फुल काम वाले छोटी सी फुल काम वाले कपड़े पहने में अपनी अम्मा के छोटे करवा करवा के कुछ पूछा मैंने कुछ, और जिद में कि मैंने यही पहनना है यही पहनना है यही पहनना है। चलो अगली पिक्चर की तरफ चलते हैं। ओ माय गॉड, हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय। वैसे एक वाकया बताऊं, ये जबकि मेरी पिक्चर है ना, तब एक लड़की से फेसबुक पर मेरी बात होती थी, जो सही बात है, एक लड़की से मेरी बात होती थी। वो लड़की थी ना? हाँ लड़की थी, उन दिनों में लड़के लड़कियां बन के बात करते। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता,
तो उसने मुझे कहा कि आप इसी पिक्चर को देखते हुए क्या आप वैसे तो माशाल्लाह अच्छे हो और लेकिन ना मुझे ये बताओ आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो। ठीक है, इस तरह का सवाल क्यों पूछ रही है मेरे से। फिर उसने कहा कि बताएं तुझे कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैंने कहा मैं ठीक है यार, फैमिली अपनी मतलब सही है, मिडिल क्लास लोगों में हम भी आते हैं। उसने कहा हाँ वो ना दरअसल मैं आपकी यही पिक्चर देख रही थी और उसमें ना ये पीछे शायद पेटी शेटी पड़ी हुई है ना, वो एक होता है ना संदूक सा बड़ा सा संदूक, उसके ऊपर ग्रीन कलर का पेंट मेरी दादो ने करवाया हुआ था और मेरी दादो तब हो चुकी थी माशाल्लाह 80 मतलब 80 साल, लेकिन मेरी दादो ने अपनी शादी का ये संदूक तब भी संभाल कर रखा था और ईंटें लगाकर उसके ऊपर ग्रीन कलर का पेंट करवा उसके ऊपर कपड़ा डालकर रखा था। मेरी पिक्चर में ये संदूक आया हुआ और वो मुझे जज कर रही थी लड़की, ये पेटी शेटी आपके घर में पड़ी है। तो मेरी कजन कह रही थी कि ये लड़का तो गरीब घर का ही लगता है। मैंने कहा जी मैं अम्मी की भी पेटी अभी तक पड़ी हुई है, मतलब कि हमारी माए या हम लोग जो है अपना जो सामान आया होता है ना जहेज का उसको नहीं बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगली पिक्चर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह आई लुक सो गुड ना माशाल्लाह माशाल्लाह थैंक यू सो मच, तुमने कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स निकाली है ना मेरी। दाढ़ी उतार के, हाँ वैसे मैं दाढ़ी उतार के आलू गजब बेइज्जती है जी, आलू भी नहीं आलू की छोटी किसान। ये मैं फर्स्ट टाइम नारायण का गांव गया था, इस पिक्चर ये तब की पिक्चर है और मैंने प्लास्टिक के शू लंडे से खरीदे थे तब, बताता चलो क्योंकि प्लास्टिक के शू ये मैंने लंडे से खरीदे थे और ये प्लास्टिक के शू पानी के अलावा किसी भी जगह कंफर्टेबल नहीं थे मेरे लिए, इसलिए मैंने टूर से वापस आते इनको ऐसे करके ना अपने घर की गैलरी से बाहर फेंक दिया था कि निकलो भाई। अब मैं दिखा रही हूँ लास्ट पिक्चर। ये तो मुझे नफरत है अपनी इस पिक्चर से, ये भी मेरी वो जब मैं फर्स्ट टाइम नारायण का गांव टूर पर अच्छा मुझे लगता है जुल्कर की जितनी भी पिक्चर्स मुझे मिली है ना वो सारी एक ही एज की मिली है, मतलब कि एक आधे साल का फर्क, दो साल का फर्क, एक आधे साल का फर्क होगा, अदरवाइज वो सारी एक जैसी है और जुल्कर सब में नो 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 अच्छा ये तो अजीब ही मुझे अभी भी देखकर लगता है ये क्या स्टाइल मार रहा है, जीब में हाथ है, किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं अपनी तरफ से बस पिक्चर अपनी अच्छी खींचने की कोशिश करवा रहा था जो कि अच्छी नहीं आई। अच्छी नहीं आई जी, आई मुझे तो अच्छी लगी, तुम्हें अच्छी लगी, मुझे तो अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। तो जी जनाब ये थी हमारी आज अपनी पिक्चर पर रिएक्टिंग वीडियो। मैंने एक बात करनी है दुलकर, क्या आपको पता है कि मेरी एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी, कौन सी, जहाँ पे मैं मुज़ाकरात की ऑडियंस में बैठी जी जी जी। अच्छा उसमें मैं सेकंड ईयर में थी या फर्स्ट ईयर में थी पंजाब कॉलेज, तो गाना भी गा रही थी तुम ना उसमें, कौन सा गाना गा था, वो वाला गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, बहुत बुरे लग रहे, तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। अच्छा ये वैसे मैं दूसरे में गा रही थी शायद उसमें, अच्छा उस शो में आए थे इसराज शाह और वो मुझे बहुत पसंद थे, मतलब उनका मुझे गाना मुझे अभी भी बहुत पसंद है, उनके गाने मस्त हुआ बर्बाद हुआ इश्क का कलमा फरियाद हुआ सारी इसी तरह के बर्बाद हुआ तबाह हुआ बमबारी का शिकार हुआ, मुझे बहुत फिट लगता था। अच्छा मैंने जैसे बताया ना मुझे शुरू से काफी आदत थी, मेकअप नहीं करते थे लेकिन आदत थी कि वो क्रीम लगा के या लोशन कोई लगा के मुंह पे तो काजल आंखों के ऊपर नीचे लगा देना। वो पिक्चर इतनी ज्यादा वायरल हुई मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता था, अच्छा हो रही है लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो इट्स ओके। अच्छा लोगों ने इसमें मैंने क्या लिखा हुआ था कि इतना अमीर होना, मतलब अब की पिक्चर और तब की पिक्चर, बल्कि कोई डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस बस एज का था, डिफरेंस बस मेकअप का था, दैट्स इट। और मेरे बाल उसमें कर्ली थे, अब मैं स्ट्रेट करती हूँ, उसमें सिर्फ मेरा फेस हेल्दी था बाकी मैं स्लिम थी। यार ये होता है आपको उम्र के साथ साथ एक्सपीरियंस होता है कि मैं किस तरह से अपने आप को रखूंगा तो मैं अच्छा लगूंगा। बचपन में हम लोग कुछ और तरह से दिखते हैं, फिर उसके बाद हमारी एक 17-20 एज होती है ना, तब हम लोगों को लगता है कि शायद हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए, की तरफ जाते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से आप जैसे भी आपको खुद से मोहब्बत करनी चाहिए और हर किसी पर ये एज एंड आई लव माय सेल्फ और ये एज
हर किसी पर आती है, मुझे लगता है कि सब पर आती है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो जो टाइम गुजर रहा होता है वो फैशन के लिहाज से बंदा तैयार होता है कि हाँ भाई तेज मेकअप, हैवी कपड़े, या ये सबके साथ होता है। लेकिन ना हमें दरअसल आदत हो चुकी है कि हमें दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, लेकिन कोई मसला दूसरों की टांग खींचने में बहुत ज्यादा मजा आता है, दूसरों के नुक्स निकालने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो अपने इस मजे को थोड़ा कम कीजिए, लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, लोगों की अच्छाइयां ढूंढे, लोगों में खूबसूरती तलाश करें। पर आज के व्लॉग से अब मुझे इजाजत भी दें, ठीक है? अब मिलेंगे हम लोग कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हमारा चैनल, लाइक द वीडियो, अच्छे अच्छे कमेंट। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।